स्टूडेंट पोर्टल राजस्थान एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां स्टूडेंट से संबंधित सभी प्रकार के नवाचारों की बात की जाती है, फिर चाहे वह करियर काउंसलिंग हो, विषय चयन प्रक्रिया हो, डिग्री डिप्लोमा चयन हो या जॉब गाइडेंस। कुछ यूं समझो कि स्टूडेंट को जिम्मेदार नागरिक बनने तक के सभी पड़ाव, मुकाम, सफर की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पोर्टल राजस्थान के माध्यम से। नमस्कार साथियों, स्टूडेंट पोर्टल राजस्थान से मैं शंकर सिंह और आज हमारे साथ पोर्टल में मौजूद है राजस्थान विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज प्रातः छात्र संघ अध्यक्ष वृतराज चौधरी। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप टोंक जिले के प्रथम ऐसे व्यक्तित्व हैं जो टोंक जिले से निकल के यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज प्रातः छात्र संघ अध्यक्ष पद पे बने हुए हैं, तो आपका ग्रामीण परिवेश से लेकर यहाँ तक का जो सफर रहा वो कैसा रहा? मैं सबसे पहले तो राजस्थान स्टूडेंट पोर्टल के आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मेरे को आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं टोंक जिले के एक छोटे से गांव से आता हूँ और मेरी जो बचपन की शिक्षा गांव में एक सरकारी स्कूल में हुई है, वहाँ से हमारे अंदर एक जज्बा, एक जुनून था कि हमारे को आने वाले समय में समाज सेवा करनी है, लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़नी है, उनको उनका अधिकार दिलाना है, एक युवा वर्ग के लिए और पिछड़े लोगों के लिए, गरीब और किसान के लिए लड़ाई लड़नी है और उनको उनका अधिकार दिलाना है। जी, तो आपने जैसे भी कहा कि आप लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ोगे, तो आपके मन में ये समाज सेवा की भावना कब उत्पन्न हुई? देखिए, जब मैं शायद 7वीं क्लास के अंदर पढ़ाई करता था गांव में, जब 13 जून 2005 के आसपास सोयला गोलीकांड नाम से घटना घटी थी जो काफ़ी चर्चित घटना थी। वो घटना ये थी कि वहाँ के किसान पानी की मांग, पानी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से कह रहे थे कि हमारा जो हमारी फसल है उसको पकाने के लिए हमारे पास पानी उपलब्ध नहीं है। तो वो जो पानी की लड़ाई को लेकर एक आंदोलन कर रहे थे, तो उस आंदोलन का जो सरकार ने गोलीबारी से उनको जवाब दिया, 5 लोगों की मौत हुई थी, दर्जनों पर लोग घायल हुए थे, उस घटना ने हमारे को झकझोर किया है कि आने वाले समय में मेरे को इस किसान के लिए जो अपने अधिकार की मांग करते हैं, जो इस किसान वर्ग, गरीब मजदूर वर्ग के साथ जो अन्याय होता है उसके लिए लड़ाई लड़नी है और उनको उनका अधिकार दिलाना है। जैसा कि आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप आज के युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, क्योंकि आप आए दिन युवाओं की, यूथ की जो समस्याएं होती है उनको लेकर धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, तो आने वाले दिनों में आप अपने गृह जिले या यूथ के लिए कुछ करना चाहोगे? देखिए, बात यह है कि जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में आया था तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मैंने लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया, तो वहाँ छात्रों के आए दिन कुछ ना कुछ समस्या आती रहती थी, आज भी समस्याएं आती है। हम पहले भी लड़ाई लड़ते थे, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी लड़ाई के परिणाम स्वरूप हमारे को हमारे साथियों ने वहाँ चुनाव में खड़ा किया और छात्र संघ अध्यक्ष बनाया है और हमारे को जीत तोहफे में दिए। उन साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके लिए, उनके अधिकार के लिए जो छात्र हितों के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और एक छात्र हितों की लड़ाई में हम जीत भी रहे हैं, सक्षम भी हो रहे हैं और उस उनको उनका अधिकार भी दिला रहे हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी, जैसे कि आप एक किसान परिवार के घर में जन्मे हो और किसानों के बारे में, किसानों की जो समस्याएं होती है उनको लेके आप हमेशा तत्पर रहते हो, तो किसानों के लिए आने वाले दिनों में कुछ अच्छे कार्य करेंगे? जो किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है तो किसान परिवार की क्या समस्या आती है, क्या नहीं आती, वो दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे करता है, कैसे नहीं करता है, मैं किसान का बेटा हूँ इसलिए मेरे से ज्यादा शायद ही कोई दूसरा कोई लोग समझ सकता है। और ये पता है जो किसान परिवार से बिलोंग करता है उसको किसानों का दुख दर्द अच्छी तरीके से पता है। हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। जो सरकार अत्याचार करती है, अन्याय करती है किसान के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं। और सरकार से हमारी अपील है कि किसानों के लिए अलग नीतियां होनी चाहिए, जो नीतियां किसानों को उसकी खेती के प्रति प्रभावित करे, उसको अपनी ओर खींचे, ऐसी कुछ नीतियां होनी चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको सकारात्मक दिशा की ओर आगे ले जाना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कोई आज के समय कोई भी किसान ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी तरह किसानी करे, वो जो दुख दर्द जो मैंने सहे हैं वो दुख दर्द वो सहे, वो चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि वो आराम पाए। तो आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी किसान ये खेती से दूर भग रही है, वो इसलिए भग रही है क्योंकि किसानों को उनकी उपज का
मूल्य नहीं मिल पाता है, वो हमेशा नुकसान में रहते हैं, उनको समर्थित मूल्य नहीं मिलता है, और आए दिन कभी अकाल पड़ जाता है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी बारिश कम होती है, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, मतलब प्रकृति भी किसानों का साथ नहीं देती है, उससे भी उनको नुकसान होता है। तो किसान हर तरफ से पीड़ित होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। और ये देश कृषि प्रधान देश है, भारत को एक विश्व के अंदर जाना जाता है, तो ये होता है कि क्या कृषि प्रधान देश है, विश्व के अंदर अलग छवि रखता है, लेकिन यहाँ किसान की वास्तविक स्थिति उसकी उलट है। जी आपने बहुत अच्छी बात बताई। स्टूडेंट पोर्टल राजस्थान के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहते हो लोगों को और यूथ को कि आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे? मैं सबसे पहले तो शुरुआत मेरी जन्मस्थली कर्म भूमि से करना चाहता हूँ, वहाँ से एक सकारात्मक दिशा की ओर प्रयास करना चाहता हूँ कि वहाँ के जो युवा है वो आज अशिक्षा की और नशे की गिरफ्त में है, और हम देख रहे हैं कि हमारे पिताजी हमारे पूर्वज अशिक्षा के दौर से गुजरे हुए हैं, उन्होंने धीरे 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 हमारे को एक सकारात्मक दिशा के अंदर प्रयास किया है, हमारे को स्कूल भेजा है, और आज जो हमारा युवा है वो शिक्षा जगत में एक अच्छे अच्छे अपने आप को निखार रहा है, अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ, हर एक युवा से मेरी यही अपील है कि ये भारत देश युवाओं का देश है, विश्व में अगर जाना जाता है तो सबसे युवा देश भारत है, और मैं सब युवाओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे को धर्म जातिवाद क्षेत्रवाद इन सबसे ऊपर उठकर देश हित की लड़ाई लड़नी है, देश हित के लिए प्रयास करना है। हमारा सपना जो होना चाहिए वो सपना ये होना चाहिए कि हमारा सपना नशा मुक्त हो भारत अपना, हम नशा मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं, सकारात्मक भारत का सकारात्मक दिशा में इस देश का निर्माण करना चाहते हैं, और इस देश को 21वीं सदी के अंदर विश्व गुरु की जो हमारा सबका सपना है, हम सब 125 करोड़ भारतवासियों को मिलकर विश्व गुरु जो बनाना है इसकी ओर हमारे को प्रयास करना पड़ेगा, और इस प्रयास तभी सफल होगा जब हम सब एकजुट होकर एक आवाज में इस देश को देश हित के लिए कार्य करेंगे। जी स्टूडेंट पोर्टल राजस्थान में आप आए और हमारे साथ आपने बातचीत की, इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।